हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए अंबाला के गुलाटी कैनल आशीष गुलाटी भैया के पास। और इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेबाक के दिल से इन्होंने, जब हम नया डॉग लेते हैं तो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा डॉग डेथ कर जाता है, या हमें नया डॉग के बाद क्या करना चाहिए, वो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से बताया है और पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो इस वीडियो में आप देखने वाले हो। और जो भी नया पपी लेने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये। सो अंत तक देखिए, बहुत ही प्यारे पपीज़ है। एंड हाँ, फ्रेंच बुल डॉग है, नकीता के पपीज़ भी अवेलेबल है इनके पास, तो वो भी इस वीडियो में कवर करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, कंटिन्यू करते हैं। पप का एक तो लोगों में बड़ी टेंडेंसी है कि भी जैसे ही पप परचेज करते हैं वो अपने ब्रीडर के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो ब्रीड की जेन्युइनिटी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और होता क्या है, जब डॉक्टर के पास आप लेके जाते हो, डॉक्टर के यहाँ पे बहुत तरह के वायरस आ रखे होते हैं, ठीक है, क्लिनिक के अंदर। अब ये तो है नहीं कि डॉक्टर ने हेल्दी पप्स के लिए अलग क्लिनिक बना रखा है और बीमार के लिए अलग बना रखा है, ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। आप अपने अच्छे भले हेल्दी पप को डॉक्टर के पास ले जाते हो, उससे क्या है, वहाँ पे जाके वायरस हो जाता है डॉग को। आप ब्रीडर से इंश्योर करें कि भी उसने वैक्सीनेशन की हुई है। जो भी ब्रीडर वैक्सीनेशन करता है वो वैक्सीनेशन की आपको फॉयल देगा, कोई ज़्यादा अच्छा ब्रीडर है वो कार्ड मेंटेन करवाते हैं डॉक्टर से या ख़ुद भी मेंटेन करते हैं, तो वो आप कार्ड लीजिए, उसके ऊपर स्प्रे करिए, ठीक है। दूसरा, आप अगर वैक्सीनेशन के लिए भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आप कोशिश करिए कि डॉक्टर जो है आपकी गाड़ी में आके वैक्सीन लगा दे पप को, और आप वैक्सीनेशन कराने से पहले डॉक्टर के हाथ सैनिटाइज़ कराएं। अगर कोई कंपाउंडर आता है लगाने तो उसके कंपाउंडर के हाथ सैनिटाइज़ करें, और कोशिश करें आप अर्ली सुबह ही चले जाएँ क्लिनिक में, कि डॉक्टर अभी आया हो, डॉक्टर फ्रेश हो, 9:30 बजे जिस टाइम वो क्लिनिक खोलता है उस समय चले जाएँ, वो बेटर रहता है। उससे क्या है, एक तो उस समय तक बीमार डॉग्स नहीं आए होते डॉक्टर के पास, ठीक है। अब लोग शाम को कोई ले जा रहा है, कोई दोपहर को ले जा रहा है, तब तक वो 10 डॉग्स बीमार देख चुका है, उनमें एक पार्गो का आया था, वो पार्गो फैला गया, क्योंकि स्मेल से डिजीज़ चढ़ती है डॉग को। जितनी भी बीमारियाँ डॉग में हैं ज़्यादातर स्मेल से हैं, ठीक है। जैसे ही डॉग स्मेल लेगा उसको पार्गो की स्मेल चढ़ गई, उसको पार्गो होगा, किसी को कोई बीमारी है, वो सारी बीमारियाँ डॉक्टर के क्लिनिक से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। आप अपनी गाड़ी में बैठे रहिए, गाड़ी में बैठ के जाए वहाँ पे डॉक्टर को बाहर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी डॉक्टर भी रिक्वेस्ट है, आप मेरा हेल्दी पप आया है, आप प्लीज़ इसे वैक्सीनेशन बाहर गाड़ी में आके कर दो, तो वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से, तो वो करना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो डॉग ब्रीडर दे रहा है फीड, वही फीड रिपीट करें। अब आप कैनल वाला तो कोई रॉयल कैनाइन दे रहा है या कोई पेडिग्री का स्टार्टर दे रहा है, तो लोग घर ले जाके उसे कोई पेडिग्री स्टार्ट कर देंगे। अगर रॉयल कैनिन खा रहा था पेडिग्री वाला है तो वो घर में चपाती या दलिया चावल बाउल बॉयल करके उसको देना शुरू कर देंगे। मतलब एटलीस्ट पप जब आप लेके जाते हो उसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र करो अपने फूड के ऊपर, ये नहीं कि भी इमीडिएटली आप ले गए और जाते ही आज तो वो घर पर इधर ब्रीडर के पास उसके कैनल पे तो रॉयल कैनाइन खा रहा था, और घर ले जाते ही आपने उसे पेडिग्री देनी शुरू कर दी। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। एक तो पेट को अपनी हैबिट नहीं चेंज करनी पड़ती, और उसका स्टमक भी ठीक रहता है। आप जैसे ही फीड चेंज करोगे एकदम से जो है पेट की हैबिट्स चेंज हो जाती, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लूज़ मोशंस कर सकता है, ठीक है। एक दूध नहीं देना, लोगों को बहुत आदत होती है दूध पिलाने की, पेट है उसको दूध लेके, दूध से जो है
स्टमक डिस्टर्ब होता है पेट का, आप उसे कर्ड खिलाइए, पनीर दे सकते हैं, आपने देना है पनीर, बढ़िया रहता है। बॉयल्ड एग दे सकते हैं, बॉयल्ड एग में अगर ज़्यादा छोटा पप है तो येलो पार्ट आप रिमूव करके खाली वाइट पार्ट दो उसे मैश करके, ठीक है, थोड़े दो तीन दिन हैबिट डालो वाइट पार्ट की, फिर उसके बाद थोड़ा येलो पार्ट देना शुरू करो, उसको हैबिट हो जाएगी। बॉयल्ड एग जो बेस्ट है, इससे चीप एंड बेस्ट फीड नहीं है बॉयल्ड एग से या कर्ड से। गर्मियों में कर्ड बेस्ट है। बॉयल्ड एग आपने देना है आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दीजिए, हाँ बॉयल्ड एग, या आप लेट इवनिंग में दीजिए, दोपहर को आप कर्ड दो, दिन के टाइम आप कर्ड दो पप को, पप बहुत खुश रहेगा, ठीक है। बड़े डॉग्स को भी आप दिन में कर्ड दे सकते हो, लस्सी बना के दे सकते हो, ठीक है, लस्सी डॉग खुश हो गए, मगर दूध नहीं देना। दूध से बड़े को भी दोगे उसका भी स्टमक ख़राब होगा, छोटा है उसका भी स्टमक ख़राब होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी समय समय पे लोग मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, जिन्होंने मुझसे डॉग्स लिए हैं वो भी करते हैं, जिन्होंने नहीं लिए मैं सबकी हेल्प करता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी शेयर करता हूँ उन लोगों के साथ, ठीक है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं है, कभी भी मुझे कोई कांटेक्ट कर सकता है, भी मैं डॉग लवर हूँ, मुझे वो अब नहीं है कि भी अगर मेरे से नहीं लिया तो मैं नहीं बताऊँगा, मेरे को कोई भी मिल जाता है। इवन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में भी आज भी मेरे को किसी ने कंसर्न किया, किसी स्ट्रीट डॉग का एक्सीडेंट, मैंने उसे प्रॉपर गाइड किया कि इस डॉक्टर के पास ले जाओ, वो प्रॉपर रहेगा भी उसको, मैंने कहा मेरी जो हेल्प चाहिए होगी मैं करूँगा। बहुत अच्छा लगा, आपने दिल से बात किया और बड़े दिल से, मतलब कि काफ़ी अच्छी बात शेयर किया आपने, बहुत अच्छा लगा। ये न्यू जो डॉग लीडर उनको काफ़ी हेल्प होने वाला आपकी बात है। वैक्सीनेशन के लिए मेन मेरा होता है कि भी वैक्सीन आप डॉग की पूरी कर ध्यान रखें। अब लोग क्या होता है कि शुरू में 500, 1000, 2000 रुपये वैक्सीनेशन के बचाने के लिए डॉग को बीमार कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है डॉक्टर्स के पास जाओ वो नजायज़ पैसे मांगते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये डॉक्टर एक विजिट के ले लेता है, ठीक है। और यही आपने वैक्सीनेशन लगवाई हूँ पूरी की हूँ, डॉग बीमार होने का मतलब नहीं। शुरू में थोड़ी सी केयर कर रही है 2-3 महीने, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। दोस्तों जय हिंद, डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आ जाइए आशीष भैया के पास, फ्रेंच बुलडॉग नशिता के ब्रीडर हैं, आप दिखा सकते हैं वो ऊपर भी है, प्यारे प्यारे कौन है भैया? वो ये ड्यू है मेरा, फ्रेंच बुलडॉग है। एपी एपी इधर आओ, ये एपी है, ये पप्स हैं इनके, ये इनकी मदर है शीरो, ये मेल पप है क्रीम कलर। ओके, लाइन कौन से कैरी कर रहे भैया? भैया ये फैंटा की ब्लड लाइन है सारी, फैंटा इंपोर्ट डॉग है, उसके कब पप मेरे पास है। अच्छा। उसको वो मेरे पास स्टड डॉग है जो वो फैंटा का सन है। ये सारे पपीज विद पेपर है ये भैया? मैंने पेपर से आजकल ना KCI में वो चल रहा है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्लो आ रहे हैं, इस वजह से पेपर्स नहीं मंगवाए, अदर मदर फादर दोनों विद पेपर्स हैं। हाँ मदर फादर दोनों, अब वो अगर कोई डिमांड करेगा तो मैं मंगवा दूँगा पेपर्स ऐसा। वो ये फादर है, ये है अपना फादर है, ठीक है। मेरे से बेसिकली दो स्टड्स हैं, दोनों मैंने यूज़ किए हैं इस पे। चलेगा तो हम क्या, आप क्या रिकमेंड करोगे घर पे क्यों रहना चाहिए डॉग? भाई बहुत ही एक्टिव डॉग है ये, एक तरह से आपने जैसे मिनी बॉक्सर पाला हुआ है, जैसे बॉक्सर छोटा होता है ना वैसे है एकदम। आप देखोगे एक इनकी टेल बहुत छोटी सी होती है, कोई इसमें टेल का वो नहीं है कि कोई क्रॉप करनी है, या इनके बॉक्सर में तो कान क्रॉप करके खड़े करने पड़ते हैं, डॉकिंग करनी पड़ती है, टेल डॉक करनी पड़ती है, इनमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये भाई गॉड गिफ्ट ही है कि भी फर्स्ट टाइम डॉग ने कैसे भी, हाँ फर्स्ट टाइम डॉग ने, लविंग नेचर है, प्लेफुल है, हर समय आपको पता है इनको खेलने के लिए चाहिए हर समय। आप ये देखो जैसे आपके साथ एकदम, आप अभी आए हो तो आपके साथ एकदम एक्टिव हो गया खेलने के लिए ड्यू। हैप्पी कम है भैया, बेसिकली ये टॉय ब्रीड है, थोड़ी सी हल्की बहुत गार्डिंग कर देता है, जैसे कोई स्ट्रेंजर आता है बाक कर देता है, अदरवाइज ये प्लेफुल डॉग है, इसका काम खेलने का है, ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं ये, इनको हर समय भाई की भी हाइपर एक्टिव डॉग है, एक्टिव पूरा। ये क्रीम कलर, ये वाइट कलर मेल है, वो क्रीम कलर में मेल है, ये फॉन कलर जो है ये फीमेल है। हाँ ये
तो ये पांच पप्स हुए थे, दो पप्स बाहर चले गए, एक दिल्ली गया है और एक भोपाल गया है। हाँ, क्या प्राइस कोट कर रहे हैं उनका भैया? भैया 30,000 विदाउट पेपर कोट कोट कर रहा हूँ इनकी। 30,000 विदाउट पेपर। ओके ओके। हाँ, वैसे सारे केस हैं। हाँ जी, बट आजकल लेट आ रहे हैं, आजकल पेपर्स लेट आ रहे हैं, फिर जो है बाहर बहुत परेशान हो जाता है, फिर पेपर्स नहीं मिले तो इस वजह से पेपर्स हुआ ही नहीं है। अदरवाइज अगर कोई डिमांड करेगा, क्योंकि पेपर्स केवल शो में ले जाने के ही काम आते हैं, पेपर सिर्फ शो का काम आते हैं। हाँ, और कोई काम नहीं है, पेपर लोगों की अलमारियों में पड़े रहते हैं ढेर में ढेर। भैया पेपर का अगर आपने डॉग को डॉग शो में प्रोड्यूस करना है तो ही आप बेनिफिट है पेपर लेने का, अगर आपने शो में नहीं लेके जाना तो पेपर आजकल शो भी नहीं हो रहे। ये फीमेल है, बहुत ही अच्छा फेस है इसका, पूरे रिंकल वाली फीमेल है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया ले रखा इसने, कोई शक की बात नहीं है। इन फ्यूचर पे जो ब्रीडिंग करेगा उसको विद तो विद पेपर ही चलेगा, तो हाँ, अप्लाई करते कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पेपर अगर कोई डिमांड करेगा तो मंगवा भी देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, पेपर है, पेपर लेट आ रहे हैं, लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि पेशेंस हो पेपर के लिए। नहीं भी सर, केसीआई पेपर की जगह भी हमें अगर जहाँ जिस बड़े शहर के लोग उनको वहाँ के लोकल एमसीडी में वो होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। वो लोग कन्फ्यूज हैं, लोग सोचते हैं कि ये जो पेपर्स हैं उनके जो लोकल एमसी है, लोकल कमेटीज हैं, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया रजिस्टर करता है, ये केवल डॉग शो के लिए ही काम आता है पेपर, अदर कोई इसका काम नहीं। कहते हैं चिप में भी वो जीपीएस टेक्नोलॉजी कुछ होता है? नहीं नहीं, जीपीएस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, वो चिप इसलिए लगती है कि भी आप उसको सिर्फ रीड करके शो में पता चल जाएगी ये पेपर है, उसकी पेडिग्री वो है जो पेपर में दी हुई है। कई लोग मिथ फैला रखे हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉग, मुझे भी कई कस्टमर फोन करते हैं कहते हैं वो गुम हो जाएगा तो डॉग ट्रैक हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये ट्रैक हो जाएगा, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल नहीं है कि सिम डला हुआ है। एक वो दिखाओ, क्रीम पेन दिखाओ भैया। हाँ, मेरे पास स्पेस बहुत है, ये वाइट कलर का है, बहुत प्यारा। और सबसे बड़ी बात, इनकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने इनको एक पपी डीपी लगाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दो फाइजर के 9-in-1 लग चुके हैं इनको। ओके, ठीक है, अभी ये रिस्क फ्री पप्स हैं। वैक्सीनेशन कार्ड के साथ पपीज, वैक्सीनेशन कार्ड बना हुआ है प्रॉपर। इसके अलावा भी आई थिंक अकीता के पपीज आपके पास पड़े हुए हैं? अकीता के पप्स मेरे पास दो फीमेल पपीज हैं अवेलेबल। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अमेरिकन अकीता फीमेल पप्स हैं, मैंने आपको पीछे दिखाए थे, उसमें फीमेल पपी है। ये मेरा होल्ड करने का विचार है, बहुत अच्छा हैवी बोन बच्चा है, ये भी फुली वैक्सीनेटेड पप है। बोन्स से बहुत अच्छा है भैया, 2 months के आसपास हो गए। हाँ, ये विद पेपर है, इनके पेपर अप्लाई किए हैं मैंने, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एटम के पप्स हैं, फादर इनका एटम है, अमेरिकन चैम्पियन, मदर जो है वो डॉटर ऑफ अमेरिकन चैम्पियन क्राउन की डॉटर है, आपको पहले मैंने वीडियो में दिखाई भी थी, पिछले वीडियो में। तो ये भी अवेलेबल है? हाँ, ये दो फीमेल्स अवेलेबल हैं। एक फीमेल मैंने किसी से मेरे पार्टनरशिप में दी हुई थी, वो भी पप है मेरे पास, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये पपी मैं खुद सोच रहा हूँ होल्ड करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि भी इसको सेल करूँ। ये लाइक है, बिल्कुल मदर की तरह है, एकदम बहुत सुंदर बच्चा है। देखो बोन स्ट्रक्चर, देखो इसका बहुत ही हैवी बोन स्ट्रक्चर है, ये